यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री के वार्ड 10 की गुरुवार की शाम को लापता हुई महिला का शव जंगल में मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि महिला गुरुवार दोपहर को अपने भतीजे के साथ पशुओं को चराने के लिए जंगल में गई थी, जिसके बाद वह शाम तक घर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी। परिजनों की लगातार तलाश के बाद शुक्रवार सुबह महिला का शव हैफर्ड गोदाम के पीछे के जंगल में मिला, जिस पर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी अनुसार शहर के वार्ड 10 की रहने वाली 55 वर्षीय तारोबाई गुरुवार दोपहर अपने भतीजे श्यामदास के साथ पशुओं को चराने के लिए जंगल में गई थी। शाम होने पर भी महिला घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह महिला का शव जंगल में मिलने पर परिजनों पुलिस को सूचना दी। मृतक महिला के सिर में चोट के निशान है और गले पर निशान बताए जा रहे हैं, जिससे महिला की हत्या की और संकेत करते हैं। यहां तक कि जिस पानी के गड्ढे में महिला का शव मिला है उसमें पानी बहुत कम है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पता लगेगा कि हत्या हुई है या पोस्टमार्टम कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर दी जाएगी। जी, ये मेरे वार्ड में कांड हुआ है, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम आपको बता सकें। फिलहाल हमारे को ये पता लगा कि कल ये जहाँ पर डंगर चुगाने के लिए दो ही बंदे आए थे, दो बंदों में से एक लेडी एक जेंट्स था जी। तो जेंट्स जैसे कि मान लो 5:30 बज चुके थे और डंगर अपने आप घर आ गए। घर आने के बाद पूछा गया उससे, भाई आपके साथ एक लेडीज थी वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई लेडीज वो पीछे लकड़ी लेने के गई हुई है, वो आ जाएंगी और उसके बाद मैं तो आ गया। तो जब हमने उसकी तरफ ध्यान दिया वो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आई। फिर सारी रात गांव के कम से कम 1000 आदमी यहाँ पर जुटे हुए थे, सब ने सारी रात तलाश किया, कोई सुराग नहीं मिला। सुबह 7 बजे करीब जैसे चांदना हुआ, चांदने में हमने देखा पानी के अंदर बढ़ करके, तो पानी में इनकी बॉडी मिली। अब बॉडी का खुलासा पुलिस प्रशासन को फोन किया, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया, उन्होंने डेड बॉडी को अपने हवाले ले लिया और आगे पुलिस कार्रवाई जारी कर ली। चोट का निशान है सर, उसमें एक तो सिर में चोट लगी है और एक गले के अंदर ना बट से खाए हुए हैं, जिसके मजे लग रहा है कि हमारे को भी इसमें कोई बटा दे करके मारी गई है, क्या हत्या की गई है जिनकी। एक शख्स सुबह किसी पर नहीं है जी, सिर्फ यही है कि भी पुलिस को कह दिया भी आप अपनी जाँच कीजिएगा, जाँच करने के बाद जो भी है मुलजिम उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कि मामला सर ये हुआ, जो कल डंगरे चुका आ रहे थे यहाँ, तो उसके बाद में शाम को 5:30 बजे के करीब ये कह रहे भी मैं डंगर लेके चले गया और ये पीछे लकड़ियाँ घर आ गए, तो डंगर लेने के बाद वो लकड़ियाँ लेने आएगी, तो लकड़ियाँ लेने के लिए बांधने में आई, तो उसको ये नहीं पता। उसके बाद में वो बोल रहा था कि भी यहाँ कुछ होया या नहीं होया, वो भी घर पहुँच गया। उसके बाद में घर जाकर डंगर पहुँच गया तो पता लगा अभी यहाँ कोई नहीं है, आई नहीं, पर सारा गांव का गांव जैसे पता लग रहा है, सारे यहाँ सारी रात यहाँ ढूंढ रहे, उसको जी मिली नहीं, तो सुबह आकर हमारे को यह मिले पता लगे पानी में से, यही ये हमारे बात भी लगा जी। डंगर चुका दे रहा हूँ जी, हर बार पंचायत जंगल है, पशु चराने के लिए वो लड़का था और ये थी श्यामदास। क्या लगता है महिला का? महिला का भतीजा सगा जी, ये दोनों ही थे चुकाने के डंगर यहाँ। नहीं जी, तो पानी छोटा है जी वहाँ, उसमें ना उसको सिर में चोट लग रही थी जी, चोट लगी हुई थी, फोटो ले ली उन्होंने, चोट लगी हुई सर। ये तो हिसाब से चोट के हिसाब से देखते हैं तो मर्डर है, बाकी ये नहीं पता भी किसने ये मारा है, ये हमारे कोई इतना डाउट तो नहीं है। घर के साथ द्वार के द्वार साथ है जी इनकी, किसी से सुनी था ऐसा किसी, इसको तो कई महीने हो गए डंगर चुका रही है सर। हम ये बता आपको इस चीज़ के लिए हम कैसे बता सकते हैं, सभी मजदूर आदमी सुबह काम पर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, कल शाम को यही पता लगे सारे आ गए यहाँ। ये है तारो वाइफ ऑफ मीरू राम ओड राजपूत, वार्ड नंबर 10 गुडा की, उम्र है 55 साल। तो ये कल दिन में डंगर चराने के लिए आई थी, ये गऊ चराने की जगह है, इसमें खड्डे भी हैं, जो अभी यहाँ खड्डे से मिली है तो अब इसकी नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो बाद में पता लगा, बाद पोस्टमार्टम पे शरीर पे इस समय कोई चोट का निशान नहीं है, वो डॉक्टर साहब लिख के देंगे, जो चोट का निशान जो भी होगा बॉडी पे
डॉक्टर साहब के पास इसका कल रात 11 बजे दी थी। मुझे सुबह वहाँ देखेंगे जी, सुबह से ही पता लगेगा जो जंगल का काम है और उसका काम है माँ जी। ठीक है, सुबह ही अपना आप ही यहाँ से डेड बॉडी मिली है नहर, ये अपना छोटा आखा था जो बीच में जोड़ सा है, उतराने के लिए बताया, बस उतराने के लिए आई थी। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज।